नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए कोई आदमी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत आ गया है और वो अपना जान बचाने के लिए भाग रहा है। भागते भागते वो थाना पहुंचता है, पुलिस स्टेशन पहुंचता है, ताकि वहां पर उसका जान बच सके, गुंडा पर कार्रवाई हो सके। लेकिन जब आप थाना पहुंचते हैं, उस समय पुलिस उस गुंडे को पकड़ने के बजाय उसे मारने के बजाय यानी कि उस व्यक्ति को गुंडे के हाथ में सौंप दे, यानी कि आपको किसी गुंडे के हाथ में सौंप दे कि जाओ उसे जो करने करो। दोस्तों कैसा महसूस होगा, यानी कि जो रक्षक है वही अगर भक्षक बन जाए तो क्या होगा। सेम टू सेम इस बार अमेरिका में हुआ है। अमेरिका वैसे तो अपने आप को दुनिया का महाशक्ति कहता है, लेकिन उसका जो राष्ट्रपति है ना, बिल्कुल ही दोस्तों गधा जैसा काम कर रहा है। एक से बढ़कर एक ब्लंडर कर ही रहा है। और अब की बार एक रिपोर्ट आ रही है कि जो बाइडेन ने अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया है। बाइडेन का राजनीति यहां से ख़त्म हो जाएगा, बाइडन का करियर ख़त्म हो जाएगा। बाइडेन ने अपने हजारों नागरिकों को, अपने कई सारे आर्मी ऑफिसर, बहुत सारे लोगों का जान अब ओपनली तालिबान के हाथ में दे दिया है। तालिबान को बोल दिया है कि अब से तुम्हें जो करना करो। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है और अमेरिका में अब विद्रोह शुरू हो गया है। वहाँ के तमाम सांसद ऑफिसर बोल रहे हैं कि अब हम काम नहीं कर पाएंगे, ये बाइडेन तो ऑलरेडी हमारे लोगों को कल तक मरवा ही रहा था, अब की बार हमारे लोगों का जो डेटा है, हमारे लोगों का जो भी नाम है, कहाँ पे कौन अफगानिस्तान में छिपा हुआ है, सब कुछ अब तालिबान को दे दिया है। अब तालिबान वाले हैं बचाएगा नहीं, हमें अब ढूंढ ढूंढ के मारे। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है और यहाँ पे साफ हो गया है कि भारत कभी भी अमेरिका पर भरोसा ना करे। दोस्तों गोरे चमड़े वाले कभी भी भरोसे लायक नहीं होते हैं, ये आज बाइडेन ने साबित कर दिया है। इसीलिए भारत भी अब एक नया प्लान बनाया है, जिस प्लान के तहत बिना अमेरिका के वो अब दुनिया पे अकेला अपना वर्चस्व जमाएगा। दोस्तों बहुत कुछ होगा, आपने पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार हुआ क्या है और क्यों बाइडेन के खिलाफ अब सड़क पे नारेबाजी हो रहा है। लेकिन इन सबसे पहले बोल दूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस लिंक को क्लिक कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, अपना प्यार दे, सब्सक्राइब करें और सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, आराम से मेरा चैनल आ जाएगा, उसे आप लोग इजीली सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अब चल जाते हैं हुआ क्या है। देखिए आप जानते हैं, जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ, तालिबान वालों ने केवल कुछ ही हफ्ता में अफगान सरकार को गिरा दिया, अशरफ घनी को भगा दिया, अपना कब्जा कर लिया। और दोस्तों यहाँ पे अमेरिका उस समय यानी कि आज से 10 दिन पहले 12 दिन पहले अपने नागरिकों को बोल रहा था कि जो अफगानिस्तान में जहाँ छुपा है वहीं छुपे रहे, तालिबान से बच कर रहे, जो जहाँ वहीं रहे और हमसे संपर्क साधे। और बड़ी बात यह दोस्तों, लोगों ने खासतौर पे अमेरिकी आर्मियों ने, अमेरिकी जो बड़े बड़े घूमने वाला लोग है, पैसा वाला, सब छुप छुप के अमेरिका सरकार को संदेश भेजा कि भाई हम तो इस जगह पे है, हम यहाँ है, हम यहाँ पे छुपे हुए हैं, आप हमें बचा लो। यानी कि इस तरह से हजारों लोगों ने अमेरिकी सरकार को अपना रिपोर्ट भेजा, अपना लोकेशन भेजा, ठीक है। साथ ही अफगानिस्तान के कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर, जिसे अमेरिका ने वादा किया था कि अगर आप पे संकट आएगा तो हम आपको ले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब अफगानिस्तान में अमेरिका आया उस समय कई सारे अफगानिस्तानी लोग अमेरिका का साथ दिया, तालिबान के खिलाफ लड़ा था, तो तालिबान उस आदमी को खोज रहा है, आज भी उसे खोज रहा है ताकि वो मिले, उसे उसका सर कलम कर दे। दोस्तों इसीलिए अमेरिका ने वादा किया था कि तुम्हें हम ले जाएंगे यहाँ से हटा के। और ये तमाम देश भी अमेरिका को रिपोर्ट भेजा, लोकेशन भेजा कि हमें बचा लो, हम यहाँ पे छिपे हुए हैं, हम इस कोने में दबे हुए हैं। अब बड़ी बात तो यह दोस्तों, आप जानते हैं आज से 2 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना डेंजर था, इतना खतरनाक था, जिसमें 200 से अधिक लोग मारा गया, अमेरिका का 12 से 13 आर्मी मारा गया और कई सारे बच्चे भी मारा गया। दोस्तों ये अपने आप में काबुल में बहुत बड़ा धमाका है। और बड़ी बात तो यह है, बाइडेन ने घोषणा किया कि हम ISIS को ख़त्म कर देंगे, इसे हम दबा देंगे, उसे हम बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे नागरिक पे हमला किया है। और बड़ी बात तो यह है, आप लोग सुने होंगे, आज ही दोस्तों बाइडेन ने हमला किया है, रात को बाइडेन ने बहुत बड़ा हमला किया है, खासतौर पर अफगानिस्तान में तबाही लाया है, वहाँ पर हरकम मचाया है और ISIS को ढूंढ ढूंढ के मारा है, उस पर ड्रोन से हमला किया गया है। और ख़ासतौर पर बाइडेन ने कह दिया है कि हमने बदला ले लिया, जो मास्टरमाइंड था उसे हमने मार दिया। अब बोलेंगे आखिरकार मास्टरमाइंड को क्यों मारा, जो हमला किया उसको क्यों मारा। देखिए जो हमला किया था वो खुद भी मर गया, यानी कि मानव बम बन के गया था, यानी कि ह्यूमन बम होता है दोस्तों, वो बन के गया था और खुद ही ब्लास्ट कर लिया, इसीलिए मास्टरमाइंड को मार के लिया गया। अब यहीं पर समस्या शुरू हो चुका है,
यानी कि जो अमेरिकी लोग, जो अफगानी ऑफिसर अपने जान बचाने के लिए, खासतौर पर तालिबानी से बचने के लिए अमेरिका को बोला कि हमें यहाँ आके बचा लो, अपना अपना लोकेशन भेजा दोस्तों, अब ये तमाम जो भी रिपोर्ट है, जितना आदमी का लोकेशन है, तमाम लोकेशन अब जो बाइडन ने तालिबान को सौंप दिया है, यानी कि जिससे खतरा था उसी को सौंप दिया है। और बाइडन बोला है कि हम चाहते हैं तालिबान वाले इन तमाम लोगों को बचा ले, और बहुत जल्द फिर से हमला होने वाला है, ISIS हो सकता है फिर से आतंकवादी हमला करे तो हमारे लोगों को नुकसान पहुँचे, इसीलिए तालिबान अपना कर्तव्य निभाए, हमें खास तौर पर इन लोगों को दे दिए। दोस्तों ये अपने आप पे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। मान लीजिए कोई आदमी आपके पास जान बचाने आ रहा है और आप उसे पकड़ के दुश्मन का सौंप रहे हैं, सेम टू सेम यही हुआ है। बड़ी बात तो यह है अब अफगान नागरिकों का दोस्तों धड़कन तेज हो चुका है कि उसका क्या हुआ, क्योंकि तालिबान जैसे उसे पकड़ेगा ना उसे सर धर से अलग कर देगा, यानी कि यहाँ पे अमेरिका का बात कौन सुनेगा। अमेरिका दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया है, बाइडन ने अपना बहुत बड़ा गलती कर दिया है, और हजारों लोगों का जो रिपोर्ट है वो तालिबान को सौंपते ही हजारों लोग अब खतरे में आ चुका है। अब दोस्तों तालिबान को पता है कि उसका दुश्मन कहाँ छिपा हुआ है, किसके जगह छिपा हुआ है, अब तालिबान चाहे तो जिसे चाहे उसे मार सकता है, जिसे चाहे उसे बचा सकता है, एक पल के लिए अमेरिका के लोगों को छोड़ भी सकता है, लेकिन जो लोग कल तक अफगान सरकार के साथ लड़ रहा था उसे तो खासतौर पर तालिबान नहीं छोड़ेगा, तालिबान तो उसे मारेगा जो कल तक अफगान आर्मी में था, जो कल तक तालिबान को ख़त्म कर रहा था। दोस्तों ये बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, और इसीलिए अमेरिका में अब जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहा है, बोल रहा है कि ये बाइडन पगला गया है, उसे कुछ पता नहीं, ये बंदा अधिक दिन देश में रहा तो देश को डुबा देगा और देश को बर्बाद कर देगा। आप तो सब बोलेंगे यहाँ पे भारत ने क्या सोचा है, देखिए भारत को यहाँ पे फिर से सीख मिला है कि जो करना है अकेले अपने दम पे करो, जब आमने सामने की वार आएगा तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। दोस्तों इसीलिए भारत हमेशा चीन से लड़ने से पहले अपने को मजबूत बना रहा है, यानी कि अपने आप को पावरफुल बना रहा है, ताकि मजबूत रहेगा तो चीन से पंगा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई सारे मूर्ख कई साल से बोल रहा है कि अमेरिका हमारा साथ दे रहा है तो हम लोग चीन पे हमला क्यों नहीं करते। दोस्तों यही कारण है, अमेरिका कुछ भी बोल दे लेकिन जिस दिन आमने सामने की वार होगा, फ्रंट पे वार होगा, देखेंगे भारत को अकेला ही लड़ना पड़ेगा, अमेरिका नून तेल लगाकर निकल जाएगा, बोलेगा ऐसा है वैसा है, और दोस्तों कुछ भी नहीं कर पाएगा। अमेरिका का यही इतिहास रहा है, चाहे पाकिस्तान को देख लीजिए, उनसे खतरे में कुछ कर पाए क्या, केवल डिंग डांग दिया, पाकिस्तान पिटता रहा, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, पूरे नेटो में कुछ कर पाया। दोस्तों अमेरिका वाले के कोई भरोसा नहीं कर सकता है, इसीलिए भारत अपने दम पे जो करता है वो पूरा तैयारी करता है, लेकिन कुछ लोगों का मन है कि नहीं हम लोग अभी चीन पे सीधा धाव बोल दे, अक्सर चीन छीन ले। दोस्तों ये समय अभी नहीं है, हम लोग 10 साल में ऑटोमेटिक हम लोग मजबूत हो जाएंगे, हमारा सेना चीन और पाकिस्तान से कहीं आगे निकल जाएगा, तब आराम से पीओके पे हमला भी करेंगे और चीन पे अक्सर चीन भी छीनेंगे। दोस्तों इतना अच्छा मौका हम लोग सामने में आएगा।